ये खलील साहब, मैंने आपके बारे में एक चीज आज नोटिस की है पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार इन पर्सन मिला हूं आपसे, मतलब अप क्लोज। यू हैव गॉट ब्यूटीफुल आईज। ओह माय गॉड, नो सीरियसली, लाइक इफ अगर वो खलील साहब का जो कैमरा है वो थोड़ा बस कर दे, आंखें मैं शर्माऊं? हां नहीं शर्माए नहीं, आप आंखें यूं खोलें ना, एक सेकंड जूम करें बड़ा। वो मुझे लगा आपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं, आपकी क्या रंग है ये आंखों का? हेजल ग्रीन आई थिंक। हेजल ग्रीन, बट लाइक इट्स लाइक जो आउटर उनकी लेयर है इट्स सम अदर कलर, और अंदर से कुछ और है। बड़ी खूबसूरत आंखें आपकी। अगर मैं कोई और होता तो मैं कहता मेरी आंखों में डूबने का दिल चाह रहा है। माशाल्लाह भाई, देखिए आपने खलील साहब की नजर आ रही आंखें हैं, है ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी खूब। अच्छा खलील साहब, ये कास्टिंग वाला जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे, आपकी मर्जी के बगैर आपके ड्रामों की कास्टिंग नहीं हो सकती। इमान अली मेरे शो पे आई थी अभी रिसेंटली, वो कोई बात निकली थी, पंजाब नहीं जाऊंगा मैं, कुछ कास्टिंग का था, वो थी, उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी। मैंने कहा आपको खलील साहब ने निकाला, उन्होंने कहा नहीं, मतलब बैड डे खलील साहब। याद है आपको ऐसा कुछ हुआ? पता क्या, मैं कहता हूँ मोहब्बतें ना भी रहे तो भरम रहने देते हैं। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। देखो मैं कोई ये तूरमे खान नहीं बनना चाहता, मैं अभी भी आपको जिक्र कर रहा था। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं ना ये ख्वाब में भी कि आप मेरी फिल्म कर लेंगी विदाउट माई कॉन्सेंट, तो दैट इज अ फुलिश ड्रीम। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, शी इज माशाल्लाह वेरी प्रिटी गर्ल, लेकिन मेरे वो किसी काम के हवाले से कभी मेरे लिए जरूरत नहीं थी वो। अच्छा, तो वो होती तो शायद मैं। But she said she was signed on और वो नदीम बेग साहब ने उनको कहीं कर लिया, मुझे खबर मिली लाहौर में, तो मेरी बेटी ने आके मुझे बताया, एंड शी वाज सो अपसेट, हाउ कुड इट हैपन। मैंने कहा नहीं नहीं हमें सोशल मीडिया झूठी खबर होगी, देखा पूछें। तो मैंने हुमायूं को फ़ोन किया, हुमायूं ने कहा खलील साहब वो नदीम ने उसके साथ को बात की है। एंड आई नेक्स्ट डे आई केम कराची। अच्छा, और फिर मुझे नदीम को साथ हुआ, वो बुला के पूछे उससे ज़रा। देखिए वो शी वाज नेवर फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी। सो यू आर सेइंग के यू टुक दैट कॉल एंड देन इमान वाज रिमूव्ड फ्रॉम पंजाब। बस कर दें यार हसन, ये बता देना वो, क्योंकि इमान मेरे शो पे कह के गई है, तो अब ऑन माय डेथ बेड हो सकती थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी की हीरोइन। अच्छा तो ठीक है, मतलब आप बाद में बातें कर रहे, फिल्म हिट हो जाए जो मर्जी कहे कोई। रिसेंटली यू सेड यू डोंट वांट टू वर्क विद महविश आल्सो। नहीं वो मजाक में कहा। अच्छा मजाक था वो, शुक्र है यार। महविश इज वेरी डियर एक्ट्रेस। हाँ वो बड़ा, उस पर भी एक बात हुई। वो मैंने हुमायूं के बारे में एक दिन कह दिया, उसका भी रात को फोन आ गया, ये क्या बोला तुमने? मैंने कहा तू इतनी बातें बोल लेता है। मैंने कभी कहा तुम्हें कुछ है? ठीक है, सो ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड महविश ऑफ कोर्स। हां आई रिस्पेक्ट हर, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ठीक है, शी हैज डन माय थिंग्स सो वंडरफुली वेल कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता कभी। ठीक है, और मंटो में भी सज्जल इज लॉक्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।